नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्पना ऑल इन वन पर। आज हम आपको करके दिखा रहे हैं बाल हंसी क्रिया। इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएं, पूरे शरीर को तनाव मुक्त करें। अब अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करें। अब वैसा ही करें जैसा 6 माह का बच्चा अपने हाथ पैरों को चलाता हुआ रोता है या हंसता है। इसके लिए दाएं घुटना ऊपर मोड़ें और बायां हाथ सर के पीछे से उठाएं और छाती के बगल से आगे लाएं। उसी समय क्रिया से दूसरे पैर और हाथ को साथ ऐसे ही करें। जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाएं, जैसे छोटा बच्चा हंसता है वैसे ही आप भी अपने आप को छोटा बच्चा समझकर जोर जोर से हंसें। इस क्रिया को करने से हाथ पैरों को आराम मिलता है, मेरुदंड, पीठ की मांसपेशियों और फेफड़ों में रक्त संचार सुचारू होता है। साथ ही इस क्रिया को करने से बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, मानसिक तनाव झट से दूर हो जाता है, अहंकार का भाव नहीं रहता एवं हल्कापन महसूस होता है। इस क्रिया को करने का मतलब अपने अंदर वात्सल्य और वात्सल्य का भाव पैदा करना। इस क्रिया को आप अपने मन अनुसार कर सकते हैं। चाहे तो आप इस क्रिया को 10 मिनट करें। इस क्रिया को करने से आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, साथ ही आपका दिमाग भी शांत होता है, खुद ब खुद प्रसन्नता की अनुभूति देती है यह बाल हंसी क्रिया। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही जुड़े रहें हमारे चैनल कल्पना ऑल इन वन के साथ।